नमस्ते अंकिल। अरे ये कैसी आवाज थी? आवाज, अरे मशीन से नहीं इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो सच से, हेलो हाँ सुनना बोल आगे कौन है भाई। फिर कट रही है भाई साहब। हेलो हाँ सुनना अंकिल सुनना जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते आगे तो बोल। अब बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है या जो चीज आपको चाहिए या जो चीज आपको प्रभावित करती है वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ, देखिए भाई साहब। द से दादा, द से दादी, है ना। द से दिल, इंसान के शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट। द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है। द से दिल रुबा पे, जल्दी तो बता। एक सेकंड भाई बता रहा हूँ। द से दिल, द से दीवाना होता है। द से दिल रुबा पे, जिससे दिल रुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गलत, गम गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो बोल, दारू के टाइम पे। हाँ बोल बोल रहे। द से जब दारू पियोगे तबीयत खराब, फ्लाइट में बैठ गए क्या? द से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब द से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको द से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी द से भगवान। फिर द से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी जिससे आपको द से दुआ मिलेगी। भगवान कहाँ आते हैं? द से भगवान कहाँ आते हैं भाई साहब? वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब, भगवान को चैलेंज। पागल मैं करूंगा ये समझ ले। दा से तेरी द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तेरे और तोड़ दूंगा ढंग से। समझा कि नहीं? लगा अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है, सब कुछ होता है। गलत आदमी 93.5 FM द से बजाते रहो। क्या बजे? हेलो, वेरी नाइस क्वालिटी ट्यून आपका। हेलो हाँ जी नमस्ते। नमस्ते, लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और नौ दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? मैं बहुआ, 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट? 2 मिनट भाई, आवाज आपकी कट रही है लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई, पूरी। बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है। हाँ। लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को एक नंबर आ रही थी। एक नंबर आ रही थी? हाँ। फिर मैं गया सड़क पे, देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर जाए। हाँ। मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता, तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत्र है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गधा आदमी है। सुनिए लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन तूने चलाई कंधे के शोर का था। छोड़ ना यार, तू मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे। नहीं वो अबे आदमी वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ ना यार, जब से वो गए ना मेरे, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? एक नंबर। अच्छा मम्मी पापा पहले शुशु करके कराते। एग्जैक्टली बात यही है, वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा मुझे अपना बाप बना रहा है? नहीं। कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे भगवान, अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं थोड़ा सा और प्लीज, बन रहा है प्रेशर, बन रहा है। मेरी हो जाएगी तेरी न्यू। थोड़ा सा और प्लीज।
आप दिल से नहीं कट रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ। सुनना जल्दी करो। जल्दी मैं करूँगा तू करेगा मैं तो आपको तू जल्दी कर। एक सुनो मैं सॉरी बताऊं मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले मेरी, तो तेरे को देख के अपने आप निकलेगी। चल तेरी फोन रख। हेलो, नमस्कार अंकिल। हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, आपसे एक मिनट चाहिए। हाँ, कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब। हाँ, डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है, मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई, फालतू बात कर रहा है भाई साहब, आप गलत मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का? एक सेकेंड, मतलब डर पैदा बोल रहे ना आप, तो क्या डर पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं? ऐसा गलत, एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है, मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है, डर बेटा है, एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात, पागल वाली बात, डर नॉर्मली हो जाता है या सीजेरियन? अरे यार एक बार, क्या प्री मैच्योर डर भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, डर तो पैदा नहीं होता बेवकूफ। डर के ट्विंस में भी होता है डर? क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब, गलत मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब नहीं था। फोन अच्छा, आखिरी चीज। हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा। तूने अगर तेरे माँ बाप ने इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझगा? नहीं होता भाई साहब, डर पैदा करो, समझे? बकवास बात पैदा मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, जी बात कर रहे हैं? हाँ जी जी, मेरी जी है ना जो आपके फेसबुक पर कॉमन फ्रेंड है अविनाश जी, हाँ जी, हाँ जी, वहीं से नंबर मिला है, से बात कर रहा था जी मैं। नमस्ते, एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ, वो एजेंसी है ना वहाँ से। हाँ, तो क्या है ना हमारा मार्केटिंग का पूरा काम है। हाँ, आप भी सोशल मीडिया पे अच्छा फॉलो करते हैं? हाँ जी। तो मीडिया चैनल से भी कोई रिश्ता है या फिर क्या है? नहीं, ऐसे ही कर लेते थोड़ा बहुत। आप बताइए क्या हुआ था? नहीं, जैसे अभी श्रीदेवी जी का हुआ ना। हाँ हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, गलत हुआ। तो आप सब कुछ डाल रहे सोशल मीडिया, मतलब हर चीज कि कब उनको क्या डेथ हुआ, वो बाथ टब वाला भी, उनका बॉडी वहाँ से आ गया, मीडिया वाले दौड़ रहे हैं, ये सब कुछ आप क्लिक कर करके डाल रहे हैं। तो आपको काम चाहिए तो बता दीजिए। नहीं तो मीडिया में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब ये जानना चाहिए। हाँ है, मेरा चैनल में एक दो, मतलब कि एक दो से बातचीत भी, और मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ कभी भी। आप बताइए आपका क्या काम है? मेरा काम ये देखो ऐसा ना, हमारा मार्केटिंग का है। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, चीजों को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि लोगों तक और फैले। अच्छा, तो जैसे श्रीदेवी जी का हुआ आपने देखा, तो वैसे ही ना कॉमन आदमी के लिए हम कर रहे हैं। कॉमन आदमी के लिए, जैसे सपोज इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस जैसे आप की फैमिली में अगर कोई सपोज चला है, मेरे पे क्यों जा रहा तू? हैं? मेरी फैमिली में क्यों जा रहा है? मेरी फैमिली में एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल अपने पे ले सकता है? चलो अपने का ले लेता हूँ, इसमें एग्जांपल ही लेना। तो सपोज मेरी मम्मी मर जाए। हेलो, नहीं आप दुखी मत हो ना, अपने पे लेना ना एग्जांपल, मैं अपने पे ले लेता हूँ। सपोज मेरी मम्मी चली जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि उनका ना बचपन से लेके जब तक बड़ी हुई वो सारा फोटो ले लेंगे, और वो सारा फोटो के पीछे ना गाना बना देंगे गिटार विटार लेके कि मम्मी मेरी बड़ी निराली, उनसे घर पे थी खुशहाली, पापा को देती चाय की प्याली, बदमाशी पे देती थी गाली, मेरी मम्मी बड़ी निराली। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन लो। तो ऐसे उनका एक वीडियो बना देंगे, वो वीडियो पूरे मोहल्ले में व्हाट्सएप पे डाल देंगे, और क्या ना 3-4 दिन तक रखेंगे उनको, फटाफट जलाएंगे नहीं, क्योंकि जलना तो है ही ना, देखो मोहल्ले को पता तो चलेगी कुछ ऐसा है। फिर क्या, बर्फ़ की सिल्ली पे उनको हॉस्पिटल वगैरह में रखा है, वहीं पे पापा को ले जाएंगे, और उनके बगल में खड़ा करके पापा से पूछेंगे, फेसबुक लाइव जा सकते हैं पापा के साथ, कि पापा एक बात बताइए कैसा लग रहा है मम्मी के जाने के बाद, 3 दिन हो गए आपने खाना वाना नहीं खाया। फिर पापा वहाँ बोलेंगे, लोगों का कमेंट आएगा, थोड़ा इमोशनल माहौल बनेगा। इसका भी वीडियो काट के हम लोग, हेलो
हाँ, तो उसका भी वीडियो काट के हम लोग डाल देंगे। और फिर सपोज अगर देखेंगे मम्मी की डेथ हुई कैसे, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ भाई, आप पे नहीं, आपको बुरा लगा राइट। हेलो हेलो, हाँ तो क्या हुआ, सपोज मम्मी सीढ़ी से गिर के खत्म हो गई सपोज, तो क्या करेंगे ना, या तो एनिमेशन कर लो, एडिटर वगैरह मिल जाते हैं 10-10 हज़ार में यार, या फिर आप थर्माकोल का बना लो, या फिर अगर फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो असली बॉडी ले लो और सीढ़ी से 4-5 बार गिराते हुए ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे गिरी, ऐसे गिर के हुई मौत, ऐसे गिर गई, सर पे लगा, ऐसे, तो क्या होगा, और लोग थोड़े से इमोशनल होंगे। और फिर इसका भी वीडियो बना के सेम ग्रुप पे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो, तो क्या ना नॉर्मल आदमी मरता है तो कौन आता है भाई साहब, तो ऐसा सब करने से क्या होगा ना, लोग जमा होंगे और 500,000 लोग पूछेंगे भाई साहब क्या हो गया माता जी को, तो ये लंबा थोड़ा खींचेगा और तब कुछ मजा आएगा भाई साहब मरने पे, वरना क्या मरा कोई है कि नहीं। तो आप लोग जैसे फोटो लोगे, जैसे अभी भी ले रहे हो श्रीदेवी जी का, ऐसे इनका भी फोटो लोगे, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये ऐसे गिरी, नहीं तो ऐसा किसी भी किसके भी फैमिली का कर सकते हम लोग, एग्जाम्पल मैंने अपना लिया है राइट। तो अगर पूरा पैकेज है, अगर चाहिए तो हम प्लान कर सकते हैं, बताओ, बहुत फील आ जाएगी भाई साहब, माहौल ऐसा बनेगा गमगीन। नहीं नहीं क्या नहीं, कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, अरे कैसे कोई बात नहीं, ठीक है पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाकी आप लोग भी 93.5 FM बजाते रहो, मैं बउआ बोले अंकिल नमस्ते, फोन काट दिया।